फिल्म कल्कि 2898 का बॉक्स ऑफिस पर आया तूफान अपने पहले दिन तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। केजीएफ चैप्टर 2 से लेकर के सलार जवान के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को किया पीछे। वहीं फिल्म के दूसरे दिन की भी कमाई देख उड़ जाएंगे आप सभी के होस्ट। नमस्कार दोस्तों, रेवल सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म कल्कि 2898 फाइनली सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है, जो की फिल्म ने अपने पहले दिन ही वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कलेक्शन कर शुरुआत कर ली है। बात करेंगे सुपरस्टार प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण एंड कमल की फिल्म कल्कि 2898 की बात करें तो फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई, फिल्म कलेक्शंस करने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर सलार, केजीएफ चैप्टर 2, जवान, एनिमल जैसे बड़ी फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस को पीछे कर दिया। फिलहाल फिल्म कल्कि 2898 के फर्स्ट डे कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 175 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शानदार शुरुआत ली है, जहां फिल्म का इंडिया के बॉक्स ऑफिस से टोटल 95 करोड़ की कमाई कर शुरुआत हुई है। फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना से 70 करोड़ ग्रॉस, हिंदी वर्जन से 28 करोड़ ग्रॉस, तमिलनाडु से 5 करोड़ ग्रॉस, कर्नाटका से 12.25 करोड़ ग्रॉस, केरला के बॉक्स ऑफिस से 2.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की है। तो वहीं दोस्तों, फिल्म कल्कि 2898 के सेकंड डे कलेक्शंस की बात की जाए तो फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 2 के अंदर भी ताबड़तोड़ कलेक्शंस निकल कर आए हैं। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड से करीब 150 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर रही है। इसी के साथ फिल्म कल्कि 2898 का टोटल 2 डेज तक वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 325 करोड़ की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। जी हां दोस्तों, फिल्म महज 2 दिनों के अंदर ही वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 325 करोड़ के आंकड़े को पार कर तेजी से वीकेंड में 500 करोड़ की तरफ बढ़ रही है। दोस्तों, फिल्म कल्कि 2898 के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 620 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट एंड स्टार्स के सैलरीज को मिलाकर। तो वहीं दोस्तों, फिल्म कल्कि 2898 के कंपैरिजन में फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 RRR एंड बाहुबली 2 के कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म RRR ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 223 करोड़ की ग्रॉस ओपनिंग कर शानदार शुरुआत की थी। तो वहीं फिल्म का भारत के बॉक्स ऑफिस से 133 करोड़ की नेट कमाई कर शुरुआत की थी। तो वहीं दोस्तों, फिल्म बाहुबली 2 ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 214 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की थी। तो फिल्म का भारत के बॉक्स ऑफिस से 121 करोड़ की नेट कमाई कर शुरुआत हुई थी। तो वहीं दोस्तों, फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड के बॉक्स ऑफिस से 164.50 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर शुरुआत की थी, जहां फिल्म का इंडिया के बॉक्स ऑफिस से 116 करोड़ की नेट कमाई कर शुरुआत हुई थी। दोस्तों बता दूं कि फिल्म कल्कि 2898 वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने के मामले में फिल्म RRR बाहुबली 2 के बाद तीसरे नंबर पर आ चुकी है। तो वहीं पैन इंडिया फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में फिल्म कल्कि 2898 बाहुबली 2 RRR केजीएफ चैप्टर 2 के बाद चौथे नंबर पर आ चुकी है। दोस्तों फिल्म कल्कि 2898 की बात की जाए तो फिल्म को 2 पार्ट में बनाया जा रहा है। कल्कि 2898 फिल्म का फर्स्ट पार्ट है। फिल्म के सेकेंड पार्ट में कमल हासन का खतरनाक रोल देखने को मिलेगा। दोस्तों फिल्म कल्कि 2898 के फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस का तड़का देखने को मिला। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा स्लो है, लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आपको देखने पर मजबूर करता है। फिल्म कल्कि 2898 में VFX फिल्म की जान है। फिल्म देखते वक्त आपको हॉलीवुड की वाइब्स आएगी। फिल्म को 2D के अलावा 3D में भी रिलीज किया गया है। फिल्म कल्कि 2898 देखने की सोच रहे हैं तो वीकेंड में फिल्म को सिनेमाघरों में देखना बिल्कुल ना भूले। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन फिल्म का सेकेंड हाफ आप सभी को देखने पर मजबूर करता है।